प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको जो प्रश्न समझा रहे हैं वह प्रश्न एसएससी की परीक्षा में 2010 में आ चुका है। आज का प्रश्न है 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 बटे 112 और बराबर इसके आगे प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है। चार विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प छांटना है। इस प्रश्न का अर्थ यह है कि LHS में जो व्यंजक लिखा हुआ है ये 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 बटे 112, ये आप भिन्न कहिए या व्यंजक कहिए, इसको सरल करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आपको क्या हल प्राप्त होगा, यह आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमने प्रश्न जैसा था बिल्कुल वैसा का वैसा उतार लिया, 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144 बटे 112। अब आप जैसा कि जानते हैं x गुणा x के मान बराबर होता है xt घातांक 2, y गुणा y का मान बराबर होता है y की घातांक 2, p गुणा p का मान बराबर होता है p की घातांक 2 के। इसी नियम के आधार पर हमने 256 गुणा 256 के स्थान पर लिख दिया 256 की घातांक 2 और ये माइनस वैसा का वैसा आ गया, और 144 गुणा 144 के स्थान पर इसी नियम के आधार पर लिख दिया 144 की घातांक 2। इस प्रकार से आपको अंश में प्राप्त हो जाता है 256 की घातांक 2 माइनस 144 की घातांक 2 और हर में 112 वैसे के वैसे लिखे रहेंगे। क्लियर। फिर आपको एक नियम आपने हाई स्कूल क्लास में पढ़ा होगा, नाइन्थ टेंथ क्लास में पढ़ा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, या आप ये कहिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये दोनों बातें एक ही हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। आप चाहे इसका प्रयोग कीजिए चाहे आप इसका प्रयोग कीजिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है। मैंने इसको हल करने में इसका प्रयोग किया है, तो यहाँ पर ये x का काम कर रहा है 256, 144 बाई का काम कर रहा है, तो अंश में प्राप्त हो जाएगा हमारे लिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के सूत्र से 256 प्लस 144 गुणा 256 माइनस 144 और हर में 112 वैसे के वैसे लिखे रहेंगे। अंश में इस ब्रैकेट में 256 प्लस 144 लिखे हुए हैं, इन्हें जब जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 400 और यहाँ पर जब कोई निशान नहीं है दो ब्रैकेटों के बीच में तो गुणा का निशान माना जाएगा, गुणा यह आ जाएगा, और 256 में से जब हम 144 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 112। तो इस प्रकार से अंश में हमें प्राप्त हुआ 400 गुणा 112 और हर में 112 वैसे के वैसे लिखे रहेंगे। हम देखते हैं अंश और हर में 112 उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं, इसलिए इस 112 से 112 कट जाएंगे तो आपको इसका हल प्राप्त होगा बराबर 400। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम इस पूरे व्यंजक को सॉल्व करेंगे या इस पूरी भिन्न को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे लिए जो आंसर प्राप्त होगा, हल करने के बाद जो उत्तर प्राप्त होगा उसका मान 400 के बराबर होगा। हम विकल्प में देखते हैं, विकल्प में 400 जो है बी विकल्प में दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे बी विकल्प सत्य है उत्तर। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। प्रश्न बहुत ही सरल होते हैं, केवल आपको थोड़ा टेक्निक आना चाहिए, नियम याद होना चाहिए, सूत्र याद होना चाहिए। जितना आपको अधिक स्पष्ट होगा उतना आपको प्रश्न सरल लगेगा। आज का प्रश्न पूरा हो जाता है, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, आगे कोई नया प्रश्न समझाएंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।